नमस्कार, आज के इस क्लास में भारतीय रेलवे में कितने जोन और डिवीज़न हैं इसी को डिटेल में आज पढ़ेंगे हम लोग। जोन और डिवीज़न को पढ़ने से पहले भारतीय रेलवे के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे ये विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, याद रखिएगा। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच करीब 35 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। अगर ये पूछ ले कि इस ट्रेन में कितने डब्बे थे, तो 14 डब्बे के साथ 35 किलोमीटर की लंबी दूरी को तय किया था। और बाय चांस एक और क्वेश्चन पूछ ले कि इस ट्रेन का नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी नाम रखा गया था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 1854 में पूर्वी भारत में पहली ट्रेन हावड़ा से हुगली तक चली थी। और 1859 में उत्तर भारत में कानपुर से इलाहाबाद के बीच में पहली ट्रेन चली थी। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है भारतीय रेलवे के ऊपर कि पहली विद्युत ट्रेन कब और कहां से कहां चली थी, तो 1925 में मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच चली थी। और 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हो गया था 1950 में। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे भारतीय रेलवे के ऊपर। अब जोन और डिवीज़न के बारे में जान लेते हैं कुछ। भारतीय रेलवे को जोन में विभाजित किया गया है और इन जोन का डिवीज़न में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन का एक डिवीज़नल मुख्यालय होता है और इन डिवीज़नों का नेतृत्व कौन करता है, तो डिवीज़नल रेलवे प्रबंधक यानी कि DRM ये करता है। और DRM जो होते हैं, ये जो क्षेत्र के महाप्रबंधक होते हैं, GM जिसको बोलते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन्स हैं और 70 डिवीजन्स हैं। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, 18 जोन को और 70 डिवीजनों को। तो चलिए एक एक करके जानते हैं 18 जोन को और 70 डिवीजनों को। सबसे पहला जोन है नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे, इसका कोड है NR। नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके डिवीजन्स कितने हैं, 5 डिवीज़न हैं, दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ NR और मुरादाबाद। यहाँ पर लखनऊ NR है। और कुल रूट की लंबाई कितनी है नॉर्दर्न रेलवे की, तो 6968 किलोमीटर की लंबाई है। और कितने स्टेशन्स हैं, तो 1142 स्टेशन्स हैं नॉर्दर्न रेलवे में। अगला जोन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, जिसका कोड है ECR। इसका जोनल हेडक्वार्टर हाजीपुर में है और डिवीजन्स दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धनबाद, समस्तीपुर और सोनपुर है। ये सारे डिवीजन्स हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे के। कुल रूट की लंबाई कितनी है, तो 3628 किलोमीटर की लंबाई है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। और स्टेशन्स कितने हैं, तो 800 स्टेशन्स हैं। अगला है सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे, जिसका कोड है CR। इसका जोनल हेडक्वार्टर मुंबई CSMT है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। और डिवीजन्स कौन कौन से हैं, तो मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर, नागपुर, CR। रूट की लंबाई कितनी है सेंट्रल रेलवे की, तो 4101 किलोमीटर की लंबाई है। और कितने स्टेशन्स हैं, तो 612 स्टेशन्स हैं मध्य रेलवे के। अगला जोन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, जिसका कोड है NCR।
इसका जोनल हेडक्वार्टर प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद से जानते थे। इसके डिवीजन्स कौन कौन से हैं? तो प्रयागराज, आगरा और झांसी, ये सारे डिवीजन्स हैं। कुल लंबाई कितनी है रूट की नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का? तो 3151 किलोमीटर की लंबाई है और स्टेशंस 435 है। उसके बाद आता है कोंकण रेलवे, कोड है KR। इसका जोनल हेडक्वार्टर नई मुंबई में है और डिवीजन्स करवार और रत्नागिरी है। रूट की लंबाई इसकी 741 किलोमीटर की है और नंबर ऑफ स्टेशंस कितने हैं? तो 67 है, 67। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, जिसका कोड है NER। इसका जोनल हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। डिवीजन्स कौन कौन से हैं? तो इज्जत नगर, लखनऊ NER, वहाँ पे लखनऊ NR था नॉर्दर्न रेलवे में, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में लखनऊ NER है और एक वाराणसी है। कुल रूट की लंबाई इसकी 3667 किलोमीटर की है और स्टेशंस की संख्या 537 है। अगला जोन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसका कोड है NFR। इसका जोनल हेडक्वार्टर मालीगांव गुवाहाटी में है। डिवीजन्स कौन कौन से हैं? तो अलीपुरद्वार, कटिहार, रंगिया, लुमडिंग और तिनसुकिया है। रूट की लंबाई इसकी 3948 किलोमीटर की है और नंबर ऑफ स्टेशंस 753 है। उसके बाद आता है ईस्टर्न रेलवे, पूर्व रेलवे, जिसका कोड है ER और इसका जोनल हेडक्वार्टर फेरली प्लेस कोलकाता में है। कोलकाता में एक और जोनल हेडक्वार्टर है जिसको हम आगे आपको बताएंगे। ईस्टर्न रेलवे के डिवीजन्स कौन कौन से हैं? तो हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मालदा, ये सारे डिवीजन्स हैं। टोटल रूट की लेंथ कितनी है? तो 2414 किलोमीटर की है और स्टेशंस की संख्या 576 है। उसके बाद है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका कोड है NWR, जिसका जोनल हेडक्वार्टर जयपुर में है। डिवीजन्स कौन कौन से हैं? तो जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर, ये सारे डिवीजन्स हैं। और रूट की लंबाई कितनी है? तो 5459 किलोमीटर की लंबाई है और स्टेशंस की संख्या 663 है। उसके बाद है ईस्ट कोस्ट रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, जिसका कोड है ECOR। जोनल हेडक्वार्टर भुवनेश्वर है और डिवीजन्स कौन कौन से आते हैं? तो संबलपुर, खुर्दा रोड और रायगढ़। रूट की लंबाई 2204 किलोमीटर की है और स्टेशंस की संख्या 342 है। अगला जोन है साउदर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे, जिसका कोड है SR। इसका जोनल हेडक्वार्टर चेन्नई सेंट्रल है और डिवीजन्स इसमें कौन कौन से आते हैं? तो चेन्नई, तिरुचुपल्ली, मदुरई, पलक्कड़, सलेम, तिरुवनंतपुरम, ये सारे डिवीजन्स आते हैं साउदर्न रेलवे में। इसकी लेंथ कितनी है रूट की? तो 5079 किलोमीटर की लंबाई है और नंबर ऑफ स्टेशंस कितने हैं? तो 890। अगला जोन है साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका कोड है SCR। जोनल हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है और डिवीजन्स कौन कौन से आता है? तो सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ आता है। ये डिवीजन है साउथ सेंट्रल रेलवे का। रूट की लंबाई कितनी है?
तो 3127 किलोमीटर की है और स्टेशंस की संख्या 883 है। उसके बाद साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे जिसका कोड है SCOR, जोनल हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है और डिविजन्स कौन कौन से हैं, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंटकल और वल्टायर। इसकी रूट की लंबाई 3496 किलोमीटर है। नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे जिसका कोड है SER, इसका जोनल हेडक्वार्टर गार्डन रिच कोलकाता है। पीछे हमने ईस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर कोलकाता में देखा था और साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी जोनल हेडक्वार्टर कोलकाता में है, उसका फेयरली पैलेस था, इसका गार्डन रिच कोलकाता है। डिविजन्स कौन कौन से आते हैं, तो अदरा, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची, ये चार डिवीज़न आते हैं SER में। रूट की लंबाई 2631 किलोमीटर की है और स्टेशंस की संख्या 353 है। उसके बाद है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिसका कोड है SECR, जोनल हेडक्वार्टर इसका बिलासपुर में है और डिवीजन्स कौन कौन से आता है, तो बिलासपुर, रायपुर, नागपुर SEC। रूट की लंबाई 2447 किलोमीटर की है और स्टेशंस की संख्या 358 है। उसके बाद आएगा साउथ वेस्टर्न रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे जिसका कोड है SWR, हेडक्वार्टर इसका हुबली में है और डिवीजन्स कौन कौन सा है, तो हुबली, बेंगलुरु और मैसूरू। लेंथ कितनी है, 3566 किलोमीटर की लंबाई है और स्टेशंस की संख्या 456 है। नेक्स्ट है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे जिसका कोड है WCR, हेडक्वार्टर इसका जबलपुर में है और डिवीजन्स कौन कौन से आते हैं, तो जबलपुर, भोपाल और कोटा, ये तीन डिवीज़न वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। कुल लंबाई कितनी है, तो 2965 किलोमीटर है रूट की लंबाई और स्टेशंस 372 है यहाँ पर। अब है वेस्टर्न रेलवे, पश्चिम रेलवे जिसका कोड है WR, जोनल हेडक्वार्टर इसका मुंबई चर्च गेट है और डिवीजन्स इसके अंतर्गत आते हैं मुंबई WR, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और बड़ोदरा। रूट की लंबाई इसकी 6182 किलोमीटर की है और स्टेशंस की संख्या 1046 है। सबसे ज़्यादा स्टेशंस वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ही आता है। और अंतिम है कोलकाता मेट्रो रेलवे जिसका कोड है MTP, इसका जोनल हेडक्वार्टर पार्क स्ट्रीट कोलकाता में है, डिवीज़न Line 1 और Line 2 है और रूट की लंबाई 33 किलोमीटर की है, स्टेशंस इसके 30 हैं 30। इस तरीके से रेलवे के जोन्स और डिवीज़न की ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, RRB, NTPC और ग्रुप डी के लिए ख़ास तौर पर ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।